हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पाठक के। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक। ठीक है, ऑस्मोटिक क्या होता है देखते हैं। ये आपके थियोरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमएससी थियोरी एग्जाम में प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू अ हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ओके, तो आप स्ट्रक्चर से आप देख ही रहे हैं। ठीक है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट लिखने से पहले आप स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे ना अगर एग्जाम में, तो उससे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है यहाँ से क्लियर हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू टेक इनप्योर सॉल्वेंट बाय ऑस्मोसिस। ओके, टू स्टॉप द एक्शन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू डिनाइज इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक ऑस्मोमीटर एंड प्रेशर बेस्ड ऑस्मोमीटर। ओके, तो एक सिंपल सा नोट था ऑस्मोटिक का, जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक अलग अलग या फिर एक ही करके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो यहाँ से आप वीडियो पॉज करके इसको नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।